हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ड्राइव टू डिस्कवर। आज हम लोग अपना एम्पलीफायर अपग्रेड करने जा रहे हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अगर अभी तक वो वीडियो देखा नहीं है तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हो। हमने ब्लोपंक 4 चैनल THA-485 एम्पलीफायर खरीदा है। आप लोग अभी उसका अनबॉक्सिंग का क्लिप देखो। अभी हम लोग निकले हैं, फिलहाल अभी वो एम्पलीफायर लगवाने जा रहे हैं। टिल देन आप लोग वो एंजॉय करो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो। ओके, हम लोगों ने जो एम्पलीफायर ऑर्डर किया था वो आ गया है, तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। यहाँ से इसको काटते हैं। पैकेट के अंदर एक बक्सा दिख रहा है मेरे को, बहुत ही भारी है पैकेज। पन्नी हटाओ, पन्नी नहीं चाहिए। खुल चुका है, चाकू का और जरूरत नहीं है। देखो इतना बड़ा बॉक्स के अंदर उतना छोटा बॉक्स। तो बहुत भारी है, बॉक्स साइड से ऐसे खुला हुआ है, ये वाला लगा हुआ नहीं है। ऐसा पैकेजिंग होने से कैसे चलेगा। पहला चीज देखते हैं, ब्लोपंक हमने खरीदा है, ब्लोपंक 4 चैनल एम्पलीफायर THA-485। इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन देखते हैं। 720 वाट मैक्स पावर, 4 चैनल या 2 चैनल, नहीं तो 3 चैनल भी यूज़ कर सकते हैं। 2 ओम्स और 4 ओम्स दोनों होगा। हाई लेवल इनपुट है, DC ऑफसेट इसमें चलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जर्मनी का ब्रांड है। अंदर का चीज़ बाद में देखते हैं, पीछे क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। ये एम्पलीफायर का पूरा स्पेसिफिकेशन है, आप लोग अगर चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो। और ये एम्पलीफायर का डिटेल्स है, MRP लिखा हुआ है 10,990। तो अभी बॉक्स के अंदर क्या चीज़ है वो देखते हैं। पहले तो वारंटी कार्ड और मैनुअल, इसको साइड में रखते हैं, हमको पढ़ना वढ़ना नहीं है, सीधा क्या चीज़ भेजा है वो देखना है। तो कैसे है, ओके, बहुत सारा कार्टून आ गया है, बहुत भारी है। ब्लोपंक एकदम चमक रहा है, क्वालिटी तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पीछे 2 सेलोटेप है, नया चीज खोलने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये हो गया हमारा ब्लोपंक THA-485, सीरियल नंबर दिया हुआ है। बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, मेड इन चाइना क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ब्लोपंक तो जर्मनी का कंपनी है। यहाँ पे स्पीकर का जो 4 चैनल है, Channel 1, Channel 2, Channel 3, Channel 4, उनका पावर इनपुट्स है। यहाँ पे 2 फ्यूज़ ऑलरेडी लगा हुआ है और एक्स्ट्रा फ्यूज थोड़ा मिला है। और ये एम्पलीफायर का पावर इनपुट है, जहाँ पे पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव एंड ग्राउंड। और
इस साइड असली तामझाम है, यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए क्रॉस ओवर का है, यहाँ पे बेस का है, ये है आरसी से अगर इनपुट देना चाहते हैं तो ये उसके लिए है, ये वाला चैनल 4, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 1, और ये जो आउटपुट लिखा हुआ है ये वूफर को अगर कनेक्ट करना हुआ तो उसके लिए है। यहाँ पे वूफर का राइट और लेफ्ट आएगा और यहाँ पे उसका रिमोट पुट आएगा। उसके बाद यहाँ पे और एक क्रॉसओवर के लिए है, ये वाला जो पूरा है ये चैनल 1-2 के लिए है, और ये जो चीज़ है ये चैनल 3-4 के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। चैनल 3-4 हाई इनपुट अगर करते हो तो उसमें ये लगेगा। हाई इनपुट और आरसी में जो डिफरेंस है, एक तो आवाज़ का क्लैरिटी बहुत अच्छा है अगर हाई इनपुट में लगाओगे, और साथ में एक नॉइज़ आता है जो गाड़ी का या एक्सेलरेटर दबाने से या एक्सेलरेशन करने से आप लोगों का आता है, एक ची करके आवाज़ स्पीकर से, वो अगर आप आरसी से करोगे तो उसमें वो आवाज़ आता है, बट हाई इनपुट करने से वो नेग्लिजिबल हो जाता है, मोस्टली सुनाई नहीं देता। और यहाँ पे गेन और HPF एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है, फिर इस साइड भी गेन HPF ये सब दिया हुआ है, जैसा एडजस्टमेंट चाहिए होगा। और इधर इधर एंड इस तरफ भी चार कोने में स्क्रू से अगर इसको आप गाड़ी में कहीं पे लगाना चाहते हो तो उसके लिए उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमारे बॉक्स से निकला है ये ब्लॉपॉन्ग का एम्पलीफायर, फिर ये मैनुअल, ये एक साइड जाएगा एम्पलीफायर में जो रिमोट का है उसके लिए दिया हुआ है, और ये दूसरा साइड रिमोट के ये पीछे का जो पोर्शन है यहाँ पे ये चला जाएगा। ऑक्स केबल जैसा होता है वही चीज़ है, बस थोड़ा लंबा है। तो वूफर के लिए कंट्रोलर, बेस कंट्रोलर, और उसका जो वायरिंग है वो मिल गया। जो मेन चीज़ है, हम लोगों का जो चार चैनल कनेक्ट होगा उसके लिए हाई इनपुट जैक्स, 35 एम्पेयर का फ्यूज़, और कुछ स्क्रूज दिया हुआ है अगर एम्पलीफायर को कहीं फिक्स करना है। तो ये हम लोगों का एम्पलीफायर का अनबॉक्सिंग हो गया। अगले क्लिप में हम लोग इसको अपने गाड़ी में फिट करेंगे, एज़ यू हैव सीन इन द लास्ट वीडियो कि हमारा जो इन्फिनिटी प्राइमस 604A था वो हमारे सारे जो नया स्पीकर हमने लगाया है JBL का क्लब 605 CSQ एंड GTO 629, इनको एक साथ ये ले नहीं पा रहा था इन्फिनिटी वाला एम्पलीफायर, तो हमें उसको अपग्रेड करना पड़ा ब्लॉपंक में। ये ऑलरेडी हमने टेस्ट करके देख लिया था वो जहाँ से हमने काम कराया है वहाँ से। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है पिछला वाला तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक रहेगा, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो, वहाँ पे पूरा डिटेल्स बताया हुआ है। तो मैं यहाँ पे फिर से वो बता नहीं रहा हूँ क्यों हम लोग इस पे अपग्रेड कर रहे हैं, अगर वो देखना है तो वहाँ से जाके देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्लिप में इसको लगाते हैं, फिर इसका आउटपुट आप लोगों को सुनाते हैं। हमने ब्लॉपंक का एम्पलीफायर लगवा लिया है, ये रहा एकदम अच्छे से, और यहाँ पे मैंने स्विचेस लगाया है, ये बेस कंट्रोलर और ये मेरे एक हॉर्न का स्विच है THA 485 फोर चैनल एम्प, और आपको और आप लोगों को इसके बाद इसका साउंड क्वालिटी सुनाते हैं अभी।
लोगों को कैसा लगा साउंड का आउटपुट कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं तो अभी 100% सेटिस्फाइड हूँ। ये जो अभी क्वालिटी हुआ है यही मैं चाह रहा था इतने दिन से। 4 साल के बाद अभी जाके पूरा सिस्टम कंप्लीट हुआ है। जस्ट अमेजिंग क्वालिटी आ रहा है साउंड का, मतलब इससे ऊपर मैंने अभी तक कहीं सुना नहीं है। ये एकदम बेस्ट है मेरे लिए। अब आप लोग ही बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। और कोई भी अगर कुछ क्वेश्चंस डाउट्स कुछ भी हो देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और मैं जैसे बोला था पिछले वीडियो में, मैं अपना इन्फिनिटी प्राइमस 600 4A 4 चैनल M को बेच रहा हूँ। तो किसी को अगर वो लेना है दे कैन कॉन्टेक्ट मी आइदर थ्रू कॉमेंट और थ्रू इंस्टाग्राम हैंडल जो नीचे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। एक जगह हम लोग घूमने जा रहे हैं। आइसक्रीम वाले भाई को अभी चिल्लाना था। चलो जो भी हो, हम लोग एक पहाड़ वाले डेस्टिनेशन में घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ वो वाला व्लॉग भी बनाएंगे। आप लोग उसको भी एंजॉय करिएगा। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। नीचे जो रेड बटन आ रहा है सब्सक्राइब, उसको दबा दो, सब्सक्राइब हो जाएगा। और बाजू में जो घंटी है उसको भी दबा लेना तो नोटिफिकेशन सारा मिल जाएगा टाइम पे। और अगर पूरा सेटअप सब कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, सबके साथ शेयर करो। एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय।